of the occasion, Sardar Masood Sahab, President of Azad Kashmir, Federal Minister Soleiman Sahab. Excuse me for rushing all the names because time ki killat hai, maine 2 minute ka vaada kiya hai. Lekin aap sab ka shukriya ada karna chahunga jo aap log aaye hain kyunki ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर साल हम डिस्कशन करते हैं, हर साल रैलीज करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स हैं जैसे हमारे फॉर्मर चीफ एयर चीफ ने ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं, सरदार मसूद साहब बेहतर हाईलाइट करेंगे, प्रेजेंट साहब देखें क्योंकि मैं खुद एक जगह से बिलोंग करता हूँ, ग्राउंड रियलिटीज हमारे सामने है, कुछ फैक्ट्स हैं, यू नो 4 मिलियन की आबादी यहाँ पे, 12 मिलियन प्लस की उस साइड पे, कंबाइन करें तो हम तो एक पूरा मुल्क है, तो किस चीज़ को ओवरलुक कर रहे हैं? द बेसिक्स आर देयर कि वी आर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड. यूनाइटेड नेशन पे जब भी जाके हम बात करते हैं, इट्स जस्ट ऑल अबाउट डायलॉग डायलॉग डायलॉग, और हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस चीज़ को बेहतर समझ रहे हैं कि हर बार हम जाके उनको कहते हैं कि टेबल टॉक करें, दे आर नॉट विलिंग टू सिट विद अस, एंड अपने एंड पे उन्होंने 370 को विड्रॉ करवा लिया था, उस पर यूनाइटेड नेशन कहाँ स्टैंड कर रहा है, दुनिया कहाँ स्टैंड कर रही है? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस दुनिया में ताकत उन्हीं की है जो जिसे ऐसे ने भी कहा कि पीपल दैट आर इकोनॉमिकली साउंड, कंट्रीज दैट आर इकोनॉमिकली साउंड. यूएस की अच्छी एग्जांपल लेता हूँ कि यूएस इसलिए नहीं ताकतवर या उसको कहते हैं वर्ल्ड पावर के उनके पास 1.2 बिलियन, उनके पास 300 मिलियन की आबादी है, पाकिस्तान इज नियरली 212 मिलियन, सो देर 100 मिलियन मोर देन अस, देर ओनली साउंड, देर ओनली स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इवन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री माशाल्लाह पाकिस्तान हैज डन वन ऑफ द टॉप 6 आर्मीज इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर स्टेट है पूरी मुस्लिम उम्मा में, आप देखें पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, तो किस लिहाज से हम कम है? द ओनली थिंग इज फाइनेंशियली वी वीक, स्टेबिलिटी नहीं ला सके हम इस रीजन में, और स्टेबिलिटी ना होने की वजह से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके जो कि हमने लानी है. हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इज बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रू एशियन टाइगर व्हिच इट इज, अ स्टेबल पाकिस्तान मींस अ स्टेबल रीजन, वी कैन कॉन्कर एवरीवन, हम लोगों से बातें मनवा सकते हैं लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है. अफगानिस्तान के इशूज एंड एजी के मकबूजा कश्मीर के इशूज की वजह से पाकिस्तान ने सारे इशूज, बट आई एम टेलिंग यू द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज वेरी ब्राइट, इन नेक्स्ट 10 ईयर्स वी आर गोइंग टू सी अ रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, वी आर गोइंग टू सी अ रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ आईटी. पाकिस्तान हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग है लेकिन जब इसकी बात करते हैं इंडिया की, इंडिया ऑलवेज हैज डोमिनेंसी ओनली बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, नथिंग मोर, इट्स नॉट देयर मैन पावर. देखें वी हैव गट्स, हमारे ईमान है, हमारा एक मजहब है जिस पर हम बिलीव करते हैं, उनका मजहब नहीं है. ये सबसे पहला जो बॉर्डर्स पर बैठ के वो रो रहे होते हैं उनके आप लोगों ने देखे हैं, जो मील्स के ऊपर, जो खानों के ऊपर, रिस्क के ऊपर रो रहे होते हैं, हमारे जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उनके अगर आप वीडियो मैसेज देख लें, एक चपाती के ऊपर और साथ पानी का ग्लास लेके वो लोग अपने दिन गुजारते हैं, कभी शिकवा नहीं किया, वो खुश हैं. और जो हमारा इंसान, जो हमारा फौजी, अखवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ, जो फौजी बॉर्डर्स पर जाके गोलियां खाते हैं, वो ये नहीं पूछते कि हम आप एजेके पर फायरिंग कर रहे हैं या कराची पर फायरिंग कर रहे हैं या बलूचिस्तान पर फायरिंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए गोली खाते हैं. सो मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि जो बेसिक्स है, वी नीड टू अंडरस्टैंड के अंडर दिस फ्लैग हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे. सो मेरे साथ नारा लगाएं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लेके रहेंगे आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद.